औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन, मैं साकिबुर रहमान, खरी खरी गुफ्तगू आवाज़ हक जापान टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मैं चूँकि अपना जापान टीवी के साथ ही मुंसलिक हूँ और मुझे जापान समेत पूरी दुनिया में लोग इस हवाले से भी जानते हैं, लेकिन राना साहब, आप जानते हैं कि सहाफ़ी का कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो मुझे राना इब्रार हुसैन, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जापान के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, इन्होंने मुझे सरपरस्त आला है और इन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी तफवीज़ की है और ये प्रोग्राम खरी खरी गुफ्तगू हर हफ्ते हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ करेंगे। और इस प्रोग्राम में जापान के हालात व वाकयात समेत हम दीगर मौजूदात पर भी गुफ्तगू किया करेंगे। तो नाजरीन, आज हमारे चीफ गेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग जापान के सरपरस्त राना इब्रार हुसैन हैं। उनसे हम आज सहाफत के नशेब व फराज के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के सवाल करेंगे। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे खरी खरी गुफ्तगू आवाज़ हक नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे इनवाइट किया। आपको कांग्रेचुलेशन जी। थैंक यू वेरी मच। आज हमने 5 साल के बाद दोबारा जो है आगाज किया इसका जी, तो उसके होस्ट आप हैं जी। तो इंशाल्लाह ताला हम इस प्रोग्राम का, चूँकि आज से हम आगाज कर रहे हैं, इसमें इंशाल्लाह ताला नाज़रीन की आरा के मुताबिक इसमें हम बेहतरी लाते जाएंगे और जैसे जैसे हमें नाज़रीन हमें तजवीज़ करेंगे, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत और हर किस्म की मालूमात जो अपने नाज़रीन को वो फराहम किया करेंगे। तो राना साहब, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद कितनी होगी? पाकिस्तानी कम्युनिटी पहले तो 10,000 थी रजिस्टर्ड जो है जी, अब तकरीबन जो कहा जा रहा है वो 15,000 से 18,000 के करीब, 15,000 से 18,000 करीब के दरमियान जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जापान में। तो इसका मतलब यानी उर्दू बोलने वालों की तादाद अंदाजन जो है 25-30,000 के करीब होगी यहाँ पे। उर्दू बोलने वालों के अगर हम तादाद का अंदाजा लगाएं तो उसमें इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, बल्कि नेपाली भी हैं जो कि उर्दू को समझते हैं जी। और नेपाली ही नहीं है, इसमें जो है वो जैपनीज भी हैं जी, जो यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करते हैं, उनके उर्दू सब्जेक्ट हैं उसमें जी, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 40,000 के ऊपर हैं लोग जो के उर्दू 40 बोलते समझते हैं, 40,000 से ऊपर हैं, 40 से 50 के दरमियान है। तो राना साहब, जैसे कि पाकिस्तान की दीगर जो है सूबाई जबानें भी, जैसे पंजाबी है, पश्तो है या सिंधी है, लेकिन सहाफत की जब भी हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी उर्दू सहाफत यानी उर्दू जबान की जो सहाफत है वो मकबूल है जी। बिल्कुल, ये जो उर्दू है ये तो हमारी कौमी जबान है जी, और जो हिंदी कहते हैं वो भी बोलते यही उर्दू है जी जी जी, जी। वो चंद अल्फाज का फर्क है उनके और हमारा, बाकी वो जो बात गुफ्तगू हम करते हो ऐसे ही समझते हैं जैसे पंजाबी भी पंजाब की है जी, लेकिन उसके अंदर लबो लहजा मुख्तलिफ है जी। सियालकोट का लबो लहजा और है जी, लाहौर का और है, फैसलाबाद का और है, मुल्तान का और है जी, वो सराइकी में चला जाता है। तो ये है कि उर्दू हमारी कौमी जबान है, उसे पठान भी समझते हैं, उसे पख्तून भाई भी समझते हैं, उन्हें बलोची भी समझते हैं, सिंधी भी समझते हैं, नेपाली भी समझते हैं, इंडियन भी समझते हैं, इसलिए उर्दू जो है वो वसी जबान है। कहा जाता था ना कि उर्दू एक लश्करी जबान, मुख्तलिफ पुराने जमाने में जी ये था कि जो फौज होती थी उसमें मुख्तलिफ इलाकों के लोग होते थे जी, और वो मुख्तलिफ जबाने बोलते, उससे ये उर्दू जो है वो जबान वजूद में आई। यानी वो जैसा कि आपने फरमाया कि जैसे हिंदी जो है उसमें लिखना, जैसे उसको शाहमुखी या गुरमुखी कहते हैं, संस्कृत भी है उसमें, फारसी भी है उसमें। बोलने के अंदाज में ये मतलब सबकी समझ में ये आ जाती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। सहाफत जो है नाजरीन, यानी कि इंफॉर्मेशन का तबादला, मालूमात का तबादला और अपने हालात वाकयात से आगाही है, और ये जरूरी नहीं कि अगर पाकिस्तान या इंडिया में ही उर्दू बोली जाती है तो सहाफत भी वहीं तक महदूद है।
तो जहां जहां पे भी कम्युनिटी गई है वहां पे जो है कलम से, अदब से, इलम से मोहब्बत करने वालों ने इस हवाले से जरूर काम करने का उन्होंने शुरुआत की इस हवाले से। तो राना साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जापान में क्या सहाफत इसका क्या सूरत हाल है? हमारे नाजरीन इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे, क्या इसका कब आगाज हुआ? देखें जी, ये तो वैसे तो अदब से ही शुरू है सहाफत जी, और अब तक रहेगी। वैसे सहाफत को आप अपने मायनों में क्या कहेंगे? व्हाट इज जर्नलिज्म, व्हाट इज सहाफत? सहाफत ये है कि जो रोजमर्रा के वाकयात हैं, हालात हैं, उनको एक राइटर जो है वो देखता है, मुशाहिदा करता है अपना, और फिर अपनी जहानत से अच्छे अल्फाज पहना के, खूबसूरत अल्फाज का पहनावा दे के उनको अवामुल नास के सामने लाता है और उनको मालूमात फराम करता है कि जो उनके इलम में नहीं होती वो चीजें भी सहाफत के जरिए उन तक लाई जाती हैं। इसके अलावा ये है कि शोभा जात है, मुख्तलिफ अदब है, शायरी है, सियासत है, तो फिर वो जो जो जिस जिस से मुंसलिक होता है वो अपने अपने जो है उस हिसाब से साफी जो है वो किरदार अदा करता है, और मेन सियासतदान जो है इसे जो है प्रोपेगंडा का जरिया जो है वो सहाफत को बनाते हैं। कोई भी सियासी जमाते हैं, पार्टी हैं, तो वो भी अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए प्रोपेगंडा जरूरी है और उसके लिए सहाफी जरूरी है जी। और ये सहाफत जो है एक ऐसा पेशा है कि ये एक दरवेशाना पेशा है, इसको पूरी ईमानदारी से पैगंबरों का पेशा, हाँ जी, ये पूरी ईमानदारी से किया जाए तो सहाफत बहुत बड़ा जो है वो पेशा है कि जो हक और सच की आवाज का आलमबरदार होता है। अगर कोई हक और सच का आलमबरदार नहीं है, जैसे आवाज हक है, हक की आवाज, हक की आवाज, तो अगर वो आलमबरदार नहीं है तो वो साफी कहलाने के काबिल नहीं है जी। नाज़रीन, जैसा कि कुरान पाक में भी कहा गया, और जब कहो हक की बात कहो, और जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना भी जहाद है ना, इबादत है। वो भी अल्फाज कोई गलत जेर जबर हो जाए मसला। आप ये देखें कि जापान के अंदर की आप बात करते हैं तो आज से को 15 साल पहले जो है वो, वैसे तो NHK उर्दू सर्विस तो बहुत देर की है और वो आज भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको उर्दू को प्रमोट कर रहे हैं जी। तो अगर देखा जाए ना पाकिस्तानियों की सहाफत का जी, पाकिस्तानी जो इधर मौजूद है कम्युनिटी जी, उनमें साफी जो आजकल हैं या कुछ अरसा पहले थे माजी करीब में, तो उस वक्त ये होता था कि जब ये फेसबुक नहीं होती थी, व्हाट्सएप नहीं होता था, तो अखबारात इधर नहीं होते थे, तो लोगों के पास वेबसाइट का आगाज हुआ जी। नाज़रीन, कुरान पाक में भी इरशाद है, इकरा बिस्मी रब्बी कल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। तो राना साहब, यानी कि अल्लाह ताला ने भी जो है ये इसकी हिदायत की है कि पढ़ा जाए, लिखा जाए, कलम का इस्तेमाल किया जाए, तो सहाफत पैगंबरों का पेशा भी रही। बिल्कुल। और सहाफत जो है इसकी अगर तारीख बरे सगीर में देखी जाए तो ये कई सौ साल पे मुहित है। वही मैंने कहा, ये भी अजल से जी हो गई जी जी। और जापान में सहाफत के हवाले से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए कि इसका आगाज कब हुआ, और चूंकि जापान एक टेक्नोलॉजी का मुल्क है, क्या यहाँ पे किस तरह की सहाफत हुई? डिजिटल सहाफत, प्रिंट सहाफत, और आजकल ब्लॉग्स। और देखें जी, मैं यही बता रहा हूँ, मैं मुख्तसर करूंगा तारीख का, कि यहाँ आगाज तो NHK ने किया जी। NHK जो उर्दू सर्विस है जापान की, उनका टेलीविजन का नेटवर्क है जी, तो जो उर्दू सर्विस मुहैया करता है जी, तो उसके बाद जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारी जो इस वक्त 15,000 के 18,000 के करीब है जी, तो आज से कोई 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले ये कम्युनिटी 10,000 के करीब थी, वही फिक्र चले आ रहे थे जी। तो उस वक्त इनके पास जरिया होता था ये वेबसाइट का जी, तो 4 वेबसाइट चल रही थी। सबसे पहले जो वेबसाइट थी वो मोहम्मद जुबैर साहब थे जी, वो NHK के साथ मुंसलिक है, पाकिस्तान में भी उनका बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान में भी नाम है, तो उनने सहाफत की। और मैं एक बात और बताऊं जी, यहाँ कोई सहाफी नहीं है,
जापान में जो अपने आप को सहाफी कहते हैं ना, आजकल भी हैं सहाफी जो मुख्तलिफ अखबारों के साथ या टीवी के साथ मुंसलिक हैं, वो असल में नामा निगार हैं और वो उनके कह लें कि एक नुमाइंदे हैं, यानी एक मुस्तकिल एक पेड वेजेस के साथ कलम का काम करना सहाफत के असल मीनिंग में तो वही आता है। बाकी अगर आप शौकिया अगर अपना काम करें वो उसको आप बस शौकिया काम कह सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक जुबैर साहब की वेबसाइट उर्दू नेट जापान होती थी और वो ही एक साथ ये जिन्होंने जर्नलिज्म किया हुआ है जी, जर्नलिस्ट असली वो है। अच्छा जी। हाँ जी, वो आजकल पर्दा स्क्रीन पे नहीं है, अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, लेकिन साफी वो थे। उसके बाद जो आजकल है ये साफी कोई भी नहीं, हाँ किसी ने नेट बना लिया, किसी ने ये चूंकि सिस्टम आगे टेलीफोन जो है वो व्हाट्सएप आगे, ग्रुप आगे, फेसबुक आ गई, तो ये सोशल मीडिया का आगाज हो गया। लेकिन उससे पहले जो था वो ये था कि ये चीजें नहीं थी, ना व्हाट्सएप थे ना ये फेसबुक थे, तो उस वक्त वेबसाइट बनाई हुई थी एक उनकी, एक दे चौधरी शाहिद वो पाकिस्तान चले गए हुए हैं, उनका था पाक जापान न्यूज जी। एक होते थे शेख साहब फौत हो गए हैं योकोहामा से जी। शेख अख्तर जी जी जी, तो उनकी थी क्यादत अखबार, और एक मेरा था जो आवाज़े हक आज भी है, ये वेबसाइट थी। ये चार सिर्फ होती थी वेबसाइट जी, और उसपे फिर न्यूज लगती थी 24 घंटे के बाद, यानी 24 घंटे के बाद जब न्यूज लगती है अगले दिन फिर न्यूज जो 24 घंटे के बाद लगनी होती थी, जिसमें कम्युनिटी की और दुनिया भर की खबरें जो है वो शाया की, कम्युनिटी की खबरें ज्यादा जापान की खबरें होती थी, लेकिन दुनिया भर की वो खबरें जो नेट से ली जाती हैं दूसरे जो एजेंसियां देती हैं वो लग जाती थी साथ। जी राना साहब, बिल्कुल जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि नेट पे मुख्तलिफ खबरें लगाई जाती थी, और हम जरूर जैसा कि राना साहब ने फरमाया कि मोहम्मद जुबैर साहब उनका सहाफत में जापान में भी और पाकिस्तान में भी एक बड़ा नाम है, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि किसी दिन उनको खरी खरी गुफ्तगू में उनको मदऊ किया जाए। और इसी हवाले से क्योंकि आवाज़ हक नेटवर्क का भी जो मंशूर है वो मियारी सहाफत को फरोग देना है, तो राना साहब हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए कि वो कौन से ऐसे असूल हैं या कौन से ऐसी वो प्रिंसिपल्स हैं जिन पे अमल करके हम एक मियारी सहाफत को तरवीज दे सकते हैं। देखें जी, मियारी सहाफत का तो यही है कि नंबर वन तो ग्रुपबंदियां नहीं होनी चाहिए जापान में सहाफियों के अंदर, वो कोई भी खबर हो तो वो खबर शाया करें जी। अगर किसी के पास यहाँ पाकिस्तान के न्यूज़पेपर की नुमाइंदगी है तो वो जो नुमाइंदे हैं उनके न्यूज़पेपर के उनने यहाँ ग्रुप बंदियों बनाई हुई हैं, वो मुंसलिक हुए यानी कि पाकिस्तान के जो कौमी कम्युनिटी है उनको ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है और अपने ही ग्रुप की न्यूज जो है जिनसे उनके तलकात होते हैं वो शाया कराते हैं और बाकी लोग जो मुखालिफिन ग्रुप में होते हैं उनकी शाया नहीं कराते। ये सबसे बड़ा जुल्म है सहाफत का, ये सहाफी का काम है। हाँ जी, ये जर्द सहाफत इसे कहते हैं, ये सहाफी नहीं है, ये इबादत समझ के सहाफत नहीं हो रही, तो लिहाजा इबादत समझ के सहाफत करें और ये लोगों की अमानत होती है। जो वकुआ हुआ है जापान में, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 14 अगस्त का जलसा होते हैं, अगर वो 10 जलसे हुए हैं मुख्तलिफ मकामात पे, तो वो 10 के 10 का ही जो है जिक्र किया जाए जी। राना साहब हमें ये बताइए कि सहाफत क्या किरदार अदा करती है कम्युनिटी को बांधने का, उनके इत्तेहाद का और उनको यकजा करने के लिए। अगर तो मुसबत सहाफत की जाए जी, तो मजामीन लिखे जाएं जी, लोगों को करीब करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम रखे जाएं जी, और उसमें तमाम जो सियासी समाजी और मजहबी तंजीमें हैं जी जी, उन्हें बिला तफरीक सबको एक प्लेटफॉर्म पे बुला के उन्हें इजहार ख्याल का मौका दिया जाए, और ऐसे मुख्तलिफ प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिससे प्यार और मोहब्बत बढ़ेगी। और ये सहाफत का ही काम है
कि सहाफी सब को सब के बन के रहे जी, जैसे कहते हैं ना सदर सब दा जी, या चीफ जस्टिस जो होता है वो सब का चीफ जस्टिस बने जी। अब वो अगर तकसीम हो जाएगा तो फिर कौम तकसीम हो जाती है, फिर वो कौम तरक्की नहीं करती। और जापान में उर्दू सहाफत क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि उर्दू को समझने वाले लोग मौजूद हैं यहाँ। यानी चूंकि आप क्या आप ये भी समझते हैं यहाँ पे जिन लोगों ने शादियां कर ली या फिर उनके जापानी बच्चे हैं तो उन तक जो है उर्दू किसी ना किसी तौर पहुंचाना जरूरी है? उन तक तो सारे पहुंचाते हैं अपने बच्चों तक, कोशिश करते हैं इनको मतलब उनको अलग बे उसकी आए, लेकिन जिनने प्रॉपर सीखनी होती है वो फिर बच्चों को पाकिस्तान भेज देते हैं और वहाँ उनकी स्टडी वगैरह कराते हैं, लेकिन वो स्टडी का इस मुल्क में फायदा नहीं होता, वो उसका पाकिस्तान में फायदा होता है। वो बच्चे इस मुल्क में आके जो है वो उस स्टडी काम नहीं आती, यहाँ तो जापनी सीखेंगे जापनी स्कूलों में तो फिर ही वो इधर कल को जो बड़े होते हैं तो वर्क करेंगे, जॉबें अच्छी मिलेंगी। जापान के स्कूलों में ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान के स्कूलों में चाइनीज पढ़ा दी, अरबी पढ़ा दी, मुख्तलिफ जबानें पढ़ा दी, तो यहाँ पे स्कूलों में वो जो है पाकिस्तान की लैंग्वेज सीखने के लिए स्पेशली आपको एक पाकिस्तान बच्चे को भेजना पड़ता है या यहाँ पे कोई अकेडमी उर्दू की नहीं? नहीं, इधर अपने तौर पे जैसे इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान ने स्कूल बनाया हुआ है ओयामा में, तो उसमें बच्चों की तादाद बिल्कुल आटे में नमक बराबर है, लोग जाते ही नहीं है। क्यों? कि उनको जो जापानी स्कूल में फैसिलिटीज दी हुई हैं वो और उनकी तालीम जो हासिल कर रहे हैं वो उसी को बेहतर समझते हैं, और मोस्टली लोगों की जो शादियां इधर हुई हुई हैं वो जापानी उनकी वाइफ हैं, तो वो जाहिर है कि जापानी वाइफ तो यही समझती है मेरे बच्चे जो है बच्चों के लिए यही मदद तजवीज करती है कि बच्चे जो है वो जापानी जबान से मुतल्लिक ही तालीम हासिल करें। तो राना साहब, इसमें हम आपसे आखिर में ये पूछना चाहेंगे कि हमारे जापान में यहाँ पे रहने वालों को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जैसा कि उन मसाइल में अव्वल जिक्र ये है कि नौकरियों का हसूल जो है यहाँ पे नए आने वाले किस तरह नौकरियाँ हासिल कर सकते। पहली बात तो ये है कि जी जो पाकिस्तान से नए आ रहे हैं लोग, उनको कुछ लोग एजेंट टाइप गलत गाइड करते हैं कि जैसे दरख्तों के ऊपर पैसे लगे हुए हैं जी जी। पहले तो उन लोगों को जो कि बैरून मुल्क हमें सुन रहे हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान से भी ज्यादा सख्त काम इधर आके करना पड़ता है और जॉब वगैरह जो है इधर इन जापानीज के लिए भी नहीं है जी। लेकिन लोग काम तो करते हैं जी, आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट वीजे पे आते हैं जी, और तकरीबन 45 लाख तक लोग पेमेंट करके इधर आते हैं और फिर आके अरबाइज वगैरह करते हैं, और उनका टारगेट जो है वो लैंग्वेज सीखना नहीं और जापान की लैंग्वेज से मोहब्बत नहीं, जरी बात पैसे देखे पैसे के लिए, वो 45 लाख पढ़ाई के लिए लगाना तो पाकिस्तान में लगाए, तो वो भी इधर आके सोचते हैं अब मेरी कोई शादी हो जाए किसी से, मैं कोई कारोबार करके अपना स्टेटस चेंज कर लूं, या कुछ लोग विजिट पे आते हैं वो आके तो वीजा डाल देते हैं रिफ्यूजी और उसमें स्टे लेने की कोशिश करते हैं। अब तो रिफ्यूजी पे काफी सख्ती इन्हें कर दी हुई है, तो भाई इधर आके वहाँ आप एक क्लास शहरी होते हैं पाकिस्तान में, इधर आके आप सी क्लास शहरी हो जाते हैं, तो फिर वो फौरी तौर पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, और बार बार दोस्तों में निजी मैं ये कहते असी तो उथे इंज हुंदे सा साडे ते उथे इंज हुंदा सी और वो कहते तो उथे हुंदा ही ते इत्थे की करना है जी जी जी। तो इत्थे जिन्ने आना मजदूर बन के आना और मजदूरी एवे नहीं जबानी दिंदे, जबानी हड्डियां नचोड़ के मजदूरी दिंदे ने, तो ये चीजें इन लोगों को जो 40-45 लाख एजेंटों को दे के यहाँ आते हैं उनके लिए ये बात है कि भाई इतना रुख ना करें इधर, ऐसी हमको हौसला शिकरी नहीं आपकी कर रहे, लेकिन हाँ मशक्कत काफी है, उसके बाद 2-3 साल आप लगाने के बाद यहाँ एडजस्ट लेकिन पाएंगे। जैसे कि पिछले दिनों भी मीडिया में खबरें आई थी कि लीबिया से जो गैर कानूनी वो शिप जाते हैं तो वहाँ पे बेशतर दर्जनों जो पाकिस्तानी नौजवान अपनी जाने वो गवा बैठे, तो लोग जो है अपना पैसा बर्बाद करके कर्जे लेकर जाने दे
तो ये मेरे ख्याल में एक ऐसा अमल है जिसकी ये हौसला शिकनी करनी बिल्कुल ये चाहिए। लम्बा फिक्र गया। और जापान आने वालों के लिए मैं खास कर कहता हूँ कि भाई इधर जॉबे नहीं है, जो पुराने लोग हम लोग आए हुए हैं कोई 80 की दहाई के, उनको देख के आप ये समझें कि तली पे सरसों जमा लेंगे, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बेशक जॉबे नहीं है और किराए रेंट बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत होगी कोरोना के बाद, यहाँ जॉबलेस इंतहाई तादाद में इजाफे में है, एक दूसरे के मिनते तरले करके जॉबे ढूंढते हैं, तो आप उनको संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन वो फ्री होते हैं, टोक्यो टावर जाके या स्काई ट्री जाके तस्वीरें बना के आपको नेकटाई लगा के वो दिखा देते हैं, असल हालात वो नहीं जो आप देखते हैं। तो इसलिए जिनके पास फालतू पैसा है और बच्चा इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको भेजते हैं, तो वो आए पैसा भी लगाए खर्चा भी करे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। जी नाज़रीन, खरी खरी गुफ्तगू जिसका आगाज तकरीबन जो है अरसा 5-6 साल के बाद अब बाकायदा हो चुका है, और हर हफ्ते जो है हम नए गेस्ट के साथ यहाँ पे, जैसे आज हमारे चीफ पैटर्न जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना इब्रार साहब, आवाज़ हक के ये नेटवर्क के चेयरमैन भी हैं, तो आज पहला हमने प्रोग्राम इन्हीं के साथ किया है, तो लेकिन इंशाल्लाह ताला राना साहब हम हर हफ्ते दूसरे दोस्त भी लाया करेंगे, उनको भी हम दावत दिया करेंगे और बल्कि आना चाहिए सबको। जी जी, बजाय कि आज का हमारा प्रोग्राम देख के एक तो हमें फीडबैक दीजिएगा जी awazehak1@gmail.com उसपे, तो या हमारे जो फोन नंबर है वो चूंकि हमारे होस्ट हैं साकिब रहमान साहब जी जी, इनके साथ कांटेक्ट में रहे और इन्हें अपना फीडबैक दें आज के प्रोग्राम का भी, कहीं गलतियां हमसे हुई हैं, कुछ अल्फाज का अगर कोई इस्तेमाल ऐसा हुआ है तो मजीद बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला हम आपकी आरा के मुताबिक इंशाल्लाह अपने इस प्रोग्राम के मियार को भी मजीद आगे बेहतर बनाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के मुताबिक जो है आइंदा प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया जाए। तो इन गुजारिशात के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।